भावलोग आज बात करेंगे मॉर्गोथ के बारे में, लेकिन सबसे पहले सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी ने सौरॉन बायोग्राफी को बहुत प्यार दिया जिसे मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया था, और वहां बहुत लोगों के कमेंट भी आए कि मॉर्गोथ की भी लाइफलाइन को कंप्लीट करा जाए, तो ये नाचीज आपकी ये फरमाइश आज पूरी करेगा। आज बात करेंगे मॉर्गोथ के ओरिजिन एंड पावर एंड उसकी लाइफलाइन, उसके अचीवमेंट्स एंड हाउ टू एंड ऑफ मॉर्गोथ। और इसी बंदे ने सौरॉन जैसे दरिंदे को भी बनाया था जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 3 एज में तहलका मचाया। तो बाबू वीडियो में भी 2 से 3 पार्ट में आ सकती है, कोशिश करूंगा कि 2 ही पार्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाए। शुरुआत करते हैं बिना किसी फालतू बकलोली के, लेकिन बाबा ऐसे हार्ड टॉपिक बहुत मेहनत लेते हैं, तो यदि 1 लाइक आपकी तरफ से मिल जाएगा तो मेरे इंस्पिरेशन को भी चरम सुख मिल जाएगा। बाबू लोग मॉर्गोथ ऑल्सो नोन एज मेलकोर, जो एनियोर में सबसे ग्रेटेस्ट था। एनियोर वो थे जो फर्स्ट क्रिएशन थे एल्यूविटर और होली वन यानी डिवाइन स्पिरिट में काउंट करे जाते हैं। इन्हें वालार भी कहते हैं, आम भाषा में दुनिया का निर्माण और उसकी देखरेख करने वाले देवता। लेकिन मॉर्गोथ यह बंदा इतना सक्षम था कि इसने बाकी के एनियोर को भी करप्ट किया, उनका लीडर बना, बाकी के वालार से पंगा लिया और एक बार के लिए भारी भी पड़ा। आडा को डिस्ट्रॉय किया। आडा वो है जो मिडिल अर्थ, अमान कॉन्टिनेंट एंड बेलेगर सी को मिला के खुद वालार ने सेव किया था, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। देन आगे जाके सिलमारिस की चोरी भी करता है, एल्फ्स एंड मैंस के खिलाफ जंग भी छेड़ी। सिलमारिस वो बहुमूल्य जेम्स हैं यानी मणि हैं जो महान शिल्पकार फियनर ने बनाए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीज, और फर्स्ट एज में भयंकर तबाही इस बंदे ने मचाई थी। उसके बाद बाकी वेलार ने इसे जंजीरों में जकड़कर वाइड यानी अंधकार में फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद उसका बेस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर सौरॉन ने फिर बाकी की तबाही इस दुनिया में मचाई थी। तो ये थी ब्रीफ समरी मॉर्गोथ के बारे में। अब डिटेलिंग में बात करते हैं। जब इल्यूविटर ने मॉर्गोथ को बनाया यानी मेलकोर को बनाया, तभी वो समझ चुके थे कि ये सभी एनियोर में से काफी पावरफुल है, जिसका नाम मेलकोर दिया गया। और बहुत कम समय में ये बंदा एलिवेटर के खिलाफ जाने लगा, क्योंकि ये वॉइड में फ्लेम इम्परसिएबल यानी पावर अविनाशी आग को ढूंढने लगा था, जो उसे पूरे वॉइड में नहीं मिली क्योंकि वो खुद एलिवेटर के पास थी। और यहाँ पंगा शुरू हो जाता है, म्यूजिक ऑफ एनियोर इवेंट सिचुएट होता है। उसके बाद बाबा लोग इसकी शुरुआत थोड़ी अजीब ढंग की है, जो तुम्हें एक बार के लिए अटपटा लग सकता है, बोर भी कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ईजी वर्ड में आपके सामने इसका ओरिजिन समझा पाऊं। तो कहीं 1-2 चीजें तुम्हें समझ में ना आए तो थोड़ा पेशेंस रखना, आगे जाके सारा कुछ ईजी ही लगेगा। तो बाबा एनियोर ने जब म्यूजिक बनाया तो वो एलिवेटर की सिस्टमैटिक थीम को ही फॉलो करना था, जो थीम एलिवेटर ने दी थी। लेकिन मेलकोर ने एक अलग म्यूजिक बना दिया जो मेन थीम को डिस्टर्ब कर रहा था और बाकी के एनियोर को भी दिक्कत कर रहा था उस कोरस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो सब एक नियम को फॉलो कर रहे थे, एक रूल को फॉलो कर रहे थे। इतने में इरियो एलिवेटर मेलकोर की इस हरकत को देखकर थोड़ा मुस्कुराए, मतलब वो अलग वाला मोमेंट हो गया कि बाप के सामने औलाद उसकी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगती है तो एक थोड़ा सा प्राउड फील होता है। तब एलिवेटर ने एक नई थीम भेजी और देन सभी को उसमें सिंगिंग करने को कहा, लेकिन मेलकोर ने यहां पर विरोध किया एलिवेटर का। देन अगेन एलिवेटर ने और भी ज्यादा सुंदर थीम भेजी, लेकिन मेलकोर यहां अपनी म्यूजिक थीम पर अब डोमिनेंस हासिल करने लगा था, क्योंकि बाकी के एनियर भी उसी कॉर्ड में गा रहे थे मेलकोर के साथ मिलकर, जो खुद मेलकोर ने बनाई थी, ना कि मेन थीम को फॉलो कर रहे थे। और यहां ये झड़प फर्स्ट टाइम एलिवेटर और मेलकोर के बीच में देखने को मिली थी। उसके बाद मेलकोर ने आडा में बाकी के वलार के साथ आने की रिक्वेस्ट करी और उसे भेज दिया गया आडा को, और आडा में आते ही इसने तबाही शुरू कर दी। और मेलकोर ने अपने बाकी के एनियोर साथियों को डिक्लेयर कर दिया कि आडा का स्वामी अब वही है, तो उसकी रेस्पेक्ट करी जाए, उसकी पूजा करी जाए। हालांकि उसका भाई मानवे मेलकोर के इस विचार के खिलाफ था। देन वॉर ऑफ वलार इवेंट सिचुएट होता है, जब एलिवेटर ने वलार के आडा को फॉर्म करने के लिए भेजा यानी दुनिया का निर्माण करने के लिए भेजा, तो इन सबके बीच लड़ाई होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेलकोर दुष्ट स्वभाव का था और बाकी के वलार आडा को सुंदर रूप में ढालना चाहते थे। आडा तुम्हें फिर से बता दूं, मिडिल अर्थ, अमान दीप और बेलगोर के सी को मिलाकर बनता है, आम भाषा में दुनिया का निर्माण समझ लो स्टार्टिंग का। मेलकोर काफी जादूगरी में अव्वल था, वो कैसे भी रूप धारण कर सकता था। देन तभी मेलकोर और वलार का फर्स्ट वॉर होता है, जिसमें वो पहाड़ गिरा देते हैं और उसने वलार के और भी कई कामों को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सुंदर कामों को, बहुत हद तक भारी पड़ने लगा ये स्टार्टिंग में। तभी तुलकाज नाम की प्योर स्पिरिट आई और बाकी वलार के साथ मिलकर मेलकोर के खिलाफ लड़ी और उसे हराया भी, और वहां से उसे भगा दिया गया। तब जाके वलार ने आडा को कंप्लीट किया और दुनिया का निर्माण किया। इन्हें चली
देन उसके बाद आडा में जहां वलार रहने लगे उस जगह का नाम अल्मारेन रखा गया। दो लैंप लाइट वलार के द्वारा वहां निर्माण करेंगी पृथ्वी को रोशनी देने के लिए, जिनका नाम इल्यूइन एंड ऑरमॉल रखा गया। लेकिन इसी बीच मेलकोर शांत कहां बैठता है, वो इल्यूविटर की बाकी प्योर स्पिरिट्स जो वलार से कम पावरफुल यानी मायार को करप्ट करने लगा था अपनी फौज में ऐड करने लगा था, जिनमें से एक सौरन भी था। मेलकोर ने उन्हें जासूस भी बनाया जिन्हें उसने आडा पर जासूसी करने के लिए भेजा। जब उसे पता चला कि तुलकाज और नेसा की शादी का पार्टी फंक्शन चल रहा है और इस इवेंट के बाद तुलकाज भी सो गए थे, तब उसने फिर से अटैक किया आडा में और चुपके से आडा में घुस गया और धरती के नीचे अपना किला बनाया जिसका नाम उसने उटुमनो रखा। आडा में सुंदर स्प्रिंग सीजन आने से पहले ही मेलकोर इसे डिस्ट्रॉय करने लगा, अपने काले जादू से करप्ट करने लगा। आडा की हरियाली मरने लगी, जानवर एक दूसरे से लड़कर आपस में मरने लगे, मक्खियां आसपास बुरी तरीके से भिनभिनाने लगी और आडा को अंदर ही अंदर ये कमजोर करने लगा। बाकी के वलार जब तक ये मेलकोर की चाल समझ ही पाते कि उसने वलार के ऊपर धावा बोल दिया था। किसने? मेलकोर ने, जहां उसने अल्मारेन को नष्ट किया। इसी के साथ साथ दो द्वीप और भी नष्ट करे। मेलकोर आडा को डिस्ट्रॉय करने में सफल रहा। हर जगह धुआं और आग दिख रही थी, पानी ऊपर महाद्वीप से निकल के जा रहा था। आडा बुरी तरीके से तबाह हो चुका था और मेलकोर वापस उटुमनो जाकर छुप गया, जो वलार को मालूम ही नहीं था। देन इवेंट सिचुएट होता है डोमिनेंस ओवर मिडिल अर्थ। अल्मारेन की तबाह होने के बाद वलार मिडिल अर्थ में अमान महाद्वीप में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने वेलिनोर का निर्माण किया और यही वेलार ने दो सोर्स ऑफ लाइट यानी दो ट्रीज का भी निर्माण किया। लेकिन मेलकोर का टेरर यहां भी परेशान करने लगा इन लोगों को, जिसमें से कुछ वलार इस मेलकोर का टेरर को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, यानी पेट्रोलिंग वगैरह, लाइक उल्मोन और यवन्ना एंड ओरामो जैसे वालार। लेकिन मेलकोर ने नॉर्थ में अपनी ताकत और भी इकट्ठी कर ली थी, उसने भयंकर राक्षस भी बना लिए थे और इलिविटर के जो मायार वो लेकर आया था उनमें से कुछ को अनडिफीटेड बैलरॉग भी बनाया और एक नया किला एंगबैंड का भी निर्माण किया, ताकि न्यू आर्मी वहां सेट हो सके और वेलारिन अटैक से बच भी सके, जिसका कमांडर सौरन को बनाया गया। उसके बाद वलार ने फिर अटैक किया मेलकोर पर, लेकिन मेलकोर की आर्मी अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी जिसे वो हरा नहीं पाए और अब मिडिल अर्थ में मेलकोर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इस बीच उसे पता चला एलिवेटर के और चिल्ड्रन एल्व्स का उदय हो चुका है, जिनमें से बहुतों को उसने मारा और बाकियों को बंदी भी बनाया, जिनमें से 13 एल्व्स को उसने मोरियंडर बनाए, जिन्हें हम 13 मोरियंडर के रूप में भी जानते हैं। उनमें एक्सपेरिमेंट करके ऑक्स और अलग प्रजाति के रूप में ढाला, ऑक्स के रूप में ढालकर एक बड़ी सेना भी बनाई। और इन्हीं सब इवेंट के बाद मिडिल अर्थ पर मेलकोर का जबरदस्त खौफ आ चुका था। और यहां अब लगाते हैं विराम, बाकी की बातें नेक्स्ट पार्ट में करी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे वेलिनोर में कैसे बंदी बनाया गया मेलकोर उर्फ मॉर्गोथ, देन अगेन उसका रिवेंज वालार से कैसे लिया उसने, देन वॉर ऑफ बेलरियंड कैसे सिचुएट करी गई, देन सिल्मारिल की चोरी कैसे हुई एंड फाइनल वॉर ऑफ रैथ जहां पर मॉर्गोथ का दी एंड हुआ था। तो बाबा ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट उससे जरूर बता के जाना और इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक से तो प्यार दे ही देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा सॉलिड एंड पावरफुल बन पाए। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है नीचे जरूर बता के जाना, कुछ गलतियां हुई हो या फिर कुछ पॉइंट छूट गए हो तो वो भी जरूर मेंशन करना, उसके लिए पहले से ही सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।